हाँ जी, तो बिट्टी क्या कर रही है? मैं रोटियां बना रही जान, रोटियां बना रही। मैं क्या मिलो खाना खा रहे, क्योंकि वो पहले मैं सोच रही थी वहीं से लगवा लेती हूँ, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी तो बनानी है घर पे बना रहे। तो क्योंकि इसलिए क्या रही थी, गैस नहीं आ रहा था, गैस बहुत स्लो हो जाता। अभी सर्दियां आ रही है ना, तो अभी मैंने सिलेंडर भी ले आना, क्योंकि फिर आगे दूध की बड़ी पानी की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे गैस तो चला ही जाता है, बहुत कम होता है सर्दियों में, सभी जगह पे हो जाता है ना जान। पता नहीं, आपको नहीं पता, वैसे आप खाना बना तो पता हो, पता तो होता आपको, ये बात नहीं करो। आज तो बस ऐसे थक गए हैं, थक गए ना जान, की तबीयत खराब हो गई है। मेरी बस तबीयत इसको तो कह रहे सुबह दवाई से जाके खराब ले है। आओ, दवाई ले आओ। किसकी? अपनी तबीयत की, मुझे लगता है फोम हो रहा है, फिगर हो रहा है, बुखार हो रहा है, फ्लू हो रहा है? फ्लू भी हो रहा है आजकल ज्यादा, का लाल होना। है ना, अभी ज्यादा हो रही है, और जिसम भी दुख रहा है, नहीं, जिसम नहीं दुख रहा, खाली खाली फ्लू हो रहा है। और सर दुख रहा है, तो वही ना, अम्मी का भी सर दुख रहा है, सर इसलिए अभी दुख रहा है, टेंशन लगी हुई है घर की, वो नहीं कितने सोल हो रही, वो को पता नहीं कब होनी है, लोग भी तंग आ गए होंगे रोज घर घर कर रहे हैं। चलो अभी अम्मी सोची मैं ग्रिले लगवा लूँ, है ना अम्मी। हाँ मैं वो तो थोड़ी सेफ्टी हो जाए ना, वो भी जरूरी है ना। सही। हाँ बच्चे गए हैं बाहर दुकान पे चीज लेने के लिए। गोल है रोटी, गोल लग रही है कि नहीं? थोड़ी बहुत है बाकी, गोल ही है। और क्या हो रहा आपके साथ? आप भी तो मेरे से कुछ बोलते हैं मेरे मेरे को तबीयत, फ्लू हो रहा है खाली। उसने परेशान किया है। शुक्र है मेरे खुदा का, मुझे या कभी भी ऐसा नहीं हुआ, सर्दी हो गर्मी हो कभी, मतलब हल्का एक दिन होगा, मतलब ज्यादा सर्दी लग जाए तो फिर होता, वरना कभी भी खांसी से किसी, मतलब कि मैं ऐसी चीजें को वो करती भी नहीं आज हूँ हमारे ना। घर पे मेहमान आए थे, हम लोगों ने उनको मतलब प्रमोशन नहीं दी, हाँ तो तो हमें बहुत बुरा फील हुआ हाँ? खुद को। अच्छा, क्या ओ साफ भाई वो करो, पाँव पता नहीं कहाँ से गंदे करके आ गया है। क्या बोल रहे, पाँव साफ करो, हाँ जाके धो ले ना बाथरूम में। मम्मा मैं चीज ले रही थी, चामी वो आगे चले गया था, थोड़ा थोड़ा सा मैं सिम के पीछे था। ये बिट्टी ने आटा, सूखा आटा, चकला बेलना और ये रोटियां। क्या साफ करो जल्दी, क्या कह रहे हैं? एक मिनट पापा से रोटी देख लो, देखती हूँ क्या कह रहा है। क्या जा धो ले ना पैर बाथरूम में। क्या हुआ इसको बता, नहीं क्या हुआ, क्या हुआ है? इधर देखो क्या हुआ है, क्या हुआ है, है? मिट्टी पोटी की है इसने, वो देखो को। अच्छा, गंद की सास हो गई। इधर आ जा, इधर आ जा। कह रहा है जल्दी साफ करो, कह रहा है जल्दी साफ करो। हाँ जल्दी, पर ये भी देखते हैं अभी ये यहीं पे रहने दो। हाँ यहीं पे रहने दो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम शेयर करेंगे रात को सोने की रूटीन। हाँ सोने की रूटीन के हम क्या करते हैं, और मेरा मियाँ भी क्या करता है। मेरी बहुत तबीयत खराब है, और आप सब लोग मेरे लिए करो दुआ, मेरे को हो गया फ्लू खतरनाक किस्म का। खतरनाक ही हुआ है ये, KFC से कोल्ड ड्रिंक पी पी के। KFC से हम कौन सा रोज जाते KFC है, रोज ही तो कोल्ड ड्रिंक बाहर जाके पीते हो, बाहर जाके कभी पिज्जा मैक्स, कभी किधर कभी किधर। तो कोई बात नहीं, आपको तो वैसे शुरू से, आपको तो 1 साल हो गया है, तो फिर हम होके आ गए खबर, शाम को आए सुबह के गए हुए है ना जान। और देखो ध्यान करो, आप नीचे मार मार के आपको दिखा रहे, मेरी तबीयत हो गई खराब है। तो और सबसे अपील है कि दुआ की अपील है, दुआ की अपील है, तो आप सब इसके लिए दुआ करना। आज क्या बनाया खाना? फिर खाना आज मैंने बताया था, रिंक गए थे तो मम्मी घर पे थी, आज वो बाजी भी नहीं थी काम वाली,
मच्छर तो आज बाजी भी काम वाली नहीं आई थी तो मैंने नहीं काम किया, मैंने हल्का फुल्का किया तो फिर मैं चली गई थी इसके साथ, तो फिर अम्मी ने और अंजलि ने मिलके काम किया आज। वो बोली थी मैं आ रही तो आई है नहीं, वो भी आए दिन छुट्टी है उसका ना, कभी सर दुख होता है तो कभी कुछ होता है, तो मैं पानी ठंडा पी लूँ जरा अपने, और बच्चे खाना खा रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ मैं थक गई हूँ तो दूसरे रोटी लगवा लूँ। चारों बच्चे बैठ के माशाल्लाह खाना खा रहे हैं। जोया वो कॉपियों से लगी हुई है। अंजलि आपकी कॉपी है, जोया ने पकड़ ली। मेरी नहीं है। किसकी है? दादी के अंदर मैं नहीं खानी। मैं क्या नहीं खानी? एक है गोरी मसलने थे बैठ के खा। अम्मी वो क्या होता है? नहीं यार फोन या तेनू को पता है ना कासे ने पीना पता है। मेरा पनिच नहीं मार देना किसको कॉल करनी है जी? किसी को भी नहीं कॉल करनी, सुबह से घर से पड़ा हुआ देखूं किस किसकी कॉल आई किसकी नहीं आई। मैसेज आया था मम्मी लोगों का कि ऑनलाइन आना मुझसे बात करना, काफी दिनों को मेरी अम्मी से तो बात ही नहीं हो पा रही क्योंकि अम्मी के पास रेमंड दीदी का जो मोबाइल है सोनी ब्लॉग का वो उसके हस्बैंड ने ले लिया, तो फिर अम्मी उसी नंबर से बात करती थी। तो अब्बू के पास वो दूसरा फोन है बटनों वाला और जान नीचे मारने पर तैयार है उसको, नीचे आ रही है। आप पता नहीं इसको क्या हो जाता है, एसी जानो क्या बोलते हैं, वो करता ही नहीं है इसका। पूरे उस दिन मैं पोमी के घर पे गई, उसने मतलब कि उसकी सर्विस करवाई है, इतना ठंडा उसका है। उसका कमरा भी तो छोटा है। हाँ तो छोटा बड़ा लेकिन ठंडा ठंडक तो होती है ना, इसकी भी होती है लेकिन कम होती है। वो होने वाली है ना, साफ करने वाला हुआ है ना सर्विस जिसको बोलते वो होने वाली है, तो वो ये करेगा तो वो होगी ना, बंदा खुद ही कर लेता है क्या किसी को पैसे देने कि नहीं जान हो जाती है ना। हाँ। तब उस दिन भाई बकास निकली थी। चले तो आप आगे शेयर करते हैं आपसे वो बस बिठी अब बना रही है रोटियां और यही हमारी शाम की रूटीन है, रोज शाम को ऐसे ही हो जाता है सब कुछ है। कभी घर पे बना लेते हैं कभी बाहर से ले आते हैं। तो हाँ वो बात कर रहे थे आज हमारे मतलब मेहमान आए थे तो उन्होंने बोला कि हमारी प्रमोशन कर दो, तो फिर हमने उनको मना कर दिया तो हमें बहुत बुरा लगा। मुझे बुरा लगा बहुत ज्यादा लगा, लेकिन क्या करें बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोगों को भी हमको वो करना पड़ता है, मना करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं अल्लाह खैर करेगा। वो भी समझ गए, उनको हमने बताया अपनी मजबूरी बताई बातें बताई तो वो समझ गए कि चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो बड़ा दिल दुख है। चलो हम उनसे माजस भी चाहते हैं कि हमने उनको प्रमोशन दी क्योंकि वो हमारे फैन थे हमारी वीडियो देखते थे तो बड़ी दूर से आए थे। अब क्या कर सकते हैं। हाँ ये बात तो है। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।